आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौसम तो सर्दी का चल रहा है, पर समय जो सरगर्मियां हैं वो चुनावी बनी हुई हैं और उनकी गर्माहट भी देखी जा सकती है। गर्माहट इस कदर है कि 24 चुनाव को लेकर जमकर रणनीति बनाई जा रही है और अभी हाल में जिस तरह से परिणाम आए हैं, हिमाचल का, दिल्ली एमसीडी का, गुजरात का और उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनावों का, उससे जो राजनीतिक उठापटक है वो और तेज हो गई है। जहां एक तरफ सपा प्रमुख और बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का यहां पर मेल हुआ है और ये मेल यहां पर मैनपुरी और खतौली की सीट को जीत कर लाया है। उस मेल से आने वाले समय में बीजेपी को चुनौती भी मिलेगी, ऐसा कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अपने बयानों में कह चुके हैं। इसके अलावा जो एक पार्टी है कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है देश की और बेहतर काम करती आई है, और अब उन्होंने भी कमर कस ली है और कमर इस कदर कसी है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जो 7 सितंबर 2022 से चल रही है, 5 महीने से ज़्यादा की यात्रा है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी प्रतिदिन 30 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। जनसमूह दिखता है, जनाधार दिखता है। अब ये जनाधार वोट में तब्दील होता है या नहीं होता, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब तक जनाधार वोट में तब्दील नहीं होगा तब तक स्थिति बेहतर नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा जो तीसरी व्यवस्था है या तीसरी पार्टी का हम नाम लेंगे, वो नाम लेंगे आम आदमी पार्टी, जो किस समय एक चमत्कार की तरह लगातार चलती चली जा रही है। 12 में शुरुआत हुई, उसके बाद दिल्ली में तीसरी बार सरकार और पंजाब में भी 92 सीट दिखाकर आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि अगर रणनीति बेहतर हो, काम बेहतर हो, तो कहीं भी परिणाम बदल सकते हैं। और ये फिलहाल आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीट हासिल कर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। 5 सीट मत समझिए, यहाँ पर 13% वोट भी समझिए, और जिसका आधार गुजरात की जनता दिखा चुकी है। और जानकारी के मुताबिक कई सैकड़ों में, दहाई के आंकड़े में सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, यानी कांग्रेस को पीछे कर दिया। निर्णायक लड़ाई में तो आम आदमी पार्टी नहीं आई, पर यहां पर जिस तरह से कहा गया कि आम आदमी पार्टी वहाँ खाता नहीं खुलेगा, पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोल के भी दिखा दिया, 13% वोट ला के दिखा दिया और 5 सीटें ला के दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी भले ही शुरुआत दिल्ली से हुई हो, पर उसका परचम देश के किसी भी राज्य में लहरा सकता है। और फिलहाल व्यवस्था एक ही है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर सम्मेलनों की एक पुरानी परंपरा बीजेपी की है, उस पुरानी परंपरा पर बीजेपी फिर अपनी रणनीति बनाती नजर आ रही है। कारण क्योंकि जो सम्मेलनों की व्यवस्थाएं हैं, सम्मेलन कराने का एक जो उनका तरीका है, वो इनको 14, 17, 19 और 22 के चुनाव में सफलता दिलाया है। और सफलता का परिणाम यह है कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में पसमानना सम्मेलन कराने जा रही है। पसमानना सम्मेलन कराने जा रही, कारण क्या है पसमानना समाज पे इस तरह से? और जानकारी मुताबिक सूत्र भी बताते हैं कि लगभग 1200 पसमानदा व्यक्तियों को बीजेपी टिकट भी दे सकती है, जिसके लेके काम भी शुरू हो चुका है। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुद्दे पे बात करने के बाद मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, विवेक श्रीवास्तव भाई प्रवक्ता भाजपा रूप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी बेहतर रूप से अपना पक्ष रखेंगे, और दिलीप हर्षवर्धन भाई राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रवक्ता हमारे कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी रूबरू कराया जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल रहेगा विवेक भाई से। विवेक भाई, भाई आप तो सम्मेलन की जो पटकथा है वो तो लगातार चलती आ रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संबोधित करते नजर आ रहे हैं, आज भी मथुरा में सम्मेलन था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पसमानदा सम्मेलन कराएंगे 17 नगर निगमों में, भाई यहाँ पर एकदम से प्रेम कैसे उमड़ आया, या जो व्यवस्था है उसके तहत आप चाहते ही हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे? जी देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने में विश्वास करती है।
जिस तरह से ये देखने में आया कि मुस्लिमों में भी जातिगत विभाजन की रेखाएं बड़ी गाढ़ी है और 15% जो उच्च वर्ग है तमाम अवसरों का लाभ उन्हीं को मिल जाता है और जो 85% जो मुस्लिम दलित मुस्लिम बैकवर्ड हैं वो तमाम योजनाओं में उपेक्षा के शिकार होकर रह जाते हैं जी। कैसे उन तक लाभ पहुंचे, अच्छा कैसे उनका जीवन स्तर सुधरे, ये सरकार की और भारतीय जनता पार्टी दोनों की चिंता है। अच्छा ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों का ये नुकसान होगा, ये होगा, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, हम समाज के हर तबके के लिए सोचते हैं और कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो ऐसी चिंता करते हैं। इसी क्रम में पसमानदा समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से संपर्क किया और बातचीत हुई, उन्होंने अपने बीच आने के लिए आमंत्रित किया, हमारे नेता वहाँ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए जब किसी के बीच जाएंगे तो समाज के जब बीच में बैठेंगे तो वहाँ की समस्याएं, वहाँ की विषय आप तक आएंगे और तभी आप उसके समाधान के बारे में चिंतन कर पाएंगे, समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे। दीपक भाई जी, जी मेरा एक सवाल यहाँ पर है, केवल पसमानदा समाज क्यों, बोले मुस्लिम वर्ग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल एक समाज को क्यों ही, भाई बड़ा वर्ग है यहाँ पर, अगर ये पसमानदा समाज को एक वर्ग नहीं है, अच्छा इसमें मुस्लिमों की 85% आबादी आच्छादित होती है, 15% को और ले लीजिए, 15% ऐसे हैं जो उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है, जरूरत नहीं है नहीं, हमें जरूरत तो सबकी है, अच्छा लेकिन इनके में आपस में इतनी विरोधाभास है, अच्छा कि वो 15% इस 85 के हक के ऊपर हावी हो जाते हैं, अच्छा अच्छा ये जो इनका पसमानदा समाज का जो ये हक की लड़ाई का आंदोलन ये पिछले 100 सालों से चल रहा है, अच्छा तमाम इसमें जातियां इसमें फिरके शामिल हैं और इसमें ये चाहते हैं कि हमें भी सरकार में हमें भी तमाम चीज़ों में हिस्सा मिले, उस हिस्से से वंचित हो जाते हैं, तो उनकी कैसे सिस्टम में भागीदारी सुनिश्चित हो इस विषय की चिंता भारतीय जनता पार्टी, चुनाव के समय क्यों उनकी याद आती है, पहले भी याद कर लिया करें। देखिए गौरव जी, ये कहना कि चुनाव के समय क्यों याद आती है ये ठीक नहीं है, अच्छा ये देश तो ऐसा कि यहाँ रोज कोई ना कोई चुनाव होते क्या रहते बात है। अभी इसके पहले कहीं ना कहीं उपचुनाव था, आजमगढ़ में था, रामपुर में था, फिर देखिए उपचुनाव आ गया, फिर अभी नगर निगम का चुनाव आया, तो ये सब चुनाव तो ये चलते रहेंगे। जैसे हमारे विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं साहब चुनाव के समय ईडी छापा क्यों डलवा दिया, क्या इन संवैधानिक संस्थाओं में ताला लगा दें चुनाव के समय, अगर आप कहें तो वहाँ छुट्टी घोषित कर दी जाए, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, संभव तो ये कार्य चलते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 365 दिन 24 घंटे काम करता है हमारे, अच्छा जो रणनीति चुनावी मोड का विषय तो अलग है लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और जनता के बीच में रहता है, उसी का परिणाम है कि प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। वो तो निश्चित रूप परंपराएं चली रही है, 14, 17, 19, 22 से लगातार देख ही रहे हैं। हमारे से रविन भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आपको मैनपुरी खतौली में जीत मिली, भाई मैनपुरी तो कहा जा रहा था कि आप जीत जाएंगे, पर जिस तरह खतौली में आपने 8 महीने बाद ही परिवर्तन करा दिया, 22 में जीत कराए, बीजेपी विक्रम सैनी यहाँ पर राजकुमारी सैनी हार गई। देखिए खतौली एक परंपरागत सीट है चौधरी चरण सिंह साहब की जी। भारतीय जनता पार्टी एक का जो मुख्य उद्देश्य है विभाजनकारी उद्देश्य है, अच्छा वो विभाजनकारी उद्देश्य कवाल कांड के नाम पर किया और भारी सफलता मिली थी उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अच्छा अब आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है, अच्छा भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके पास पहले से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, अच्छा तो वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो पूरे भारत में काम करती ही करती है, अच्छा अभी पसमानदा के नाम पे अचानक से याद आ गई कि 72%, 73% शायद आपको मालूम होगा या अगर नहीं मालूम होगा तो पूरी जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि इसके जो संस्थापक थे अली अनवर साहब, अच्छा ये जनता दल यू के सांसद थे जी, और जनता दल यू ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से तालमेल किया नीतीश साहब ने, अच्छा बस इन्होंने पार्टी को छोड़ के अपनी लोकतांत्रिक जनता पार्टी बना लिया, अच्छा तो ये तो पसमानदा की हिस्ट्री है, अच्छा अब है पसमानदा में जो सबसे डोमिनेटिंग कास्ट है वो अंसारी है, अच्छा और अंसारियों के साथ क्या हो रहा है, चाहे पश्चिम का अंसारी हो चाहे पूरब का अंसारी हो, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है वो आपके सामने है, अच्छा अंसारी लोग मूल रूप से बुनकर होते हैं, अच्छा और क्या कर समझ आया, क्या कर रही समझ में नहीं आया, मूल रूप से बुनकर होते हैं, इसको सुन लीजिए जी, बुनकरों का क्षेत्र था मऊ आजमगढ़ और बनारस, लगभग ये काम खत्म हो गया जी, पश्चिम में पिलखुआ हापुड़ मेरठ
जी बुनकरों का काम खत्म हो गया जी, क्या पासमानदा का उद्धार करेंगे ये? अच्छा अब दूसरी बात रही, बात जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है यह विभाजनकारी है। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस को तोड़ के संघ की स्थापना किया। अच्छा पहला विभाजनकारी स्वभाव। अच्छा कांग्रेस ही थे डॉक्टर हेडगेवार जी। अच्छा दूसरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको उद्योग मंत्री बनाया था, उन्होंने कांग्रेस को तोड़ के और भारतीय जनसंघ की स्थापना किया जी। तीसरा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाया जी। ये तो रहा कि जिनकी विभाजनकार इनका विभाजनकारी स्वभाव। अब अगला देख लीजिए, जो इनके साथ हमेशा खड़े रहे शिरोमणि अकाली दल, अच्छा उसको छटक के फेंक दिया। शिवसेना हमेशा इनके साथ खड़ी रही, उसको तोड़ दिया। अच्छा झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ खड़ा रहा, उसको तोड़ने की साजिश किया। अच्छा तो इनका स्वभाव भारतीय जनता पार्टी का ही विभाजनकारी है। अच्छा जिसके साथ रहेंगे उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे जी। और इसका शिकार ऐसा ना हो कि पासमानदा समाज हो जाए। अच्छा और जो जो पूरे गुजरात में मुस्लिमों की हत्या के नाम पे सरकार बनाई हो और बलात्कारियों को छोड़ा हो। अच्छा क्या क्या पासवानदा समाज को जोड़ेगा? पासवानदा समाज मुसलमान नहीं है। अब अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो पैगंबरे इस्लाम साहब थे, अच्छा आदरणीय मोहम्मद साहब जी, जी उनके हिसाब से आप इस्लाम को जातियों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करने जा रही है तो इस्लाम विरोधी काम करने जा रही है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने पसमांदा समाज बनाया क्या? जिसने भी बनाया होगा। हाँ। अगर ये करने जा रही है तो इस्लाम विरोधी है वो। अच्छा, अगर जिसने भी किया होगा। अच्छा उनको अगर लाने सम्मेलन करा रही है, उनको जोड़ रही है तो कहाँ इस्लाम विरोधी? पहले से जोड़ नहीं रही है, पहले से मैं बता चुका हूँ आपके पास, उनके पास एक संघ है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, पहले से ही संघ है ये। तो जब लूंगा जवाब एक जवाब दीजिए रवीन भाई, आपने कहा पर अंसारियों को टारगेट किया जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने बताया अंसारी मतलब बुनकर लोग होते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया पूर्वांचल का नाम लिया था आपने अभी। मैंने बोला पूर्वांचल में पूरे भारतवर्ष में मैनचेस्टर माना जाता था पुराना आजमगढ़ जिला जी, वो तीन भागों में बांट चुका है बनारस के कुछ हिस्से जी, लेकिन अब वहां से बुरी तरीके से जो बुनकर समाज था अंसारी समाज था एकदम खत्म हो चुका है। अच्छा यही अंसारी समाज जब पश्चिम में चले जाइएगा तो पिलखुआ सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। अच्छा और पिलखुआ मेरठ और हापुड़ जी, वहां से भी ये व्यवसाय खत्म हो चुका है जी। पसमानदा समाज में सबसे डोमिनेटिंग समाज है ये जी भैया। आप इनकी फैक्ट्री तो लगा दीजिए। हेलो ठीक और एक मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति आके बता दें कि एक भी अंसारी समाज का बुनकर मिल लगा है जी। मऊ में सर्वाधिक पुरानी कताई मिल है जी। अच्छा। पिछले छह साल में क्यों नहीं स्थापना कर पाए? पसमानदा समाज को जोड़ रहे हैं तो। अच्छा अगर पसमानदा समाज को जोड़ना था तो मऊ की बुनकर मिल को चालू कर देना चाहिए था जी। एक बहुत बड़ा विकास पसमानदा समाज का हो जाता जी। ठीक है तो जिनका स्वभाव विभाजनकारी राजनीति है वो करते रहेंगे। अभी 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 क्या है और अच्छा विभाजनकारी राजनीति करते समय किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। अभी निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ा, निषाद पार्टी का मुखिया भगवान श्री राम को अवैध संतान बताता है जी। अच्छा। इतना दुष्ट है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और उसको इन लोगों ने मंत्री बना रखा है। अच्छा तो हटा उसकी दुष्टता का मैं विरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा। हटा देना चाहिए। अच्छा प्रभु श्री राम को वो कहता है कि अवैध संतान थे, और किसकी अवैध संतान? अपने बहनोई की अवैध संतान बताता है। अच्छा महाराजा श्रृंगी महर्षि श्रृंगी महर्षि श्रृंगी की। अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का आप क्या करिए? वो तो विभाजनकारी है। ठीक है जवाब लूंगा आपसे। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में तकी भाई आप भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और MCD जीत से और गुजरात में यहाँ पर आपको लाभ मिला तभी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर नजर आ रही है, पर यूपी में इस समय आपको स्थिति खराब है। बहुत बेहतर नहीं कहूँगा क्योंकि 22 में चुनाव लड़े वहाँ का परिणाम बेहतर नहीं आया। हाँ निकाय चुनाव में आपको सीट 17 ही मिली थी, इस बार क्या आज करिश्मा करने वाले हैं? देखिए भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं, राज्यों में होते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री टियर व्यवस्था है जी। राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं, निकाय लेवल पे पंचायत में चुनाव होते हैं जी। और चुनाव एक ऐसा दौर होता है जब जनता सरकार से कनेक्ट होती है और अपनी बातों को बताती है जी। और जनता जो है जब सरकार में रह चुकी होती है तो अपनी उपलब्धियों के बारे में बताती है और जनता के मुद्दों की बात करती है। लेकिन इधर पिछले कुछ विगत दिनों से जब भी चुनाव होता है चुनाव के दौरान एक माहौल बनता है कि जिससे अंदर जनता के मुद्दे तो गायब हो जाते हैं,
जनता की बात नहीं होती, उस विकास मॉडल की बात नहीं होती इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सारी बातें जो आके एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहना, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कवायद शुरू हो जाती है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपने इतने साल शासन किया, 8 साल से केंद्र सरकार है और 27 साल वहाँ सरकार रही, तो क्या एक भी बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं इसको उपलब्धता के तौर पे बताया जा सके, जनता के बीच में रखा जा सके? और आखिर में कह दिया था भाई हम तो जीत गए, हम जीत गए तो सब सही हो गया। मैंने कई बार ये बात कही है, आज नहीं कई बार कही और चैनलों के जरिए कही है, जब भी बीजेपी जीतती है या कोई पार्टी दल जीता है ज्यादा सीटों, आम आदमी पार्टी जब जीती तब पर ही मैंने बात कही थी कि अगर आप जीते हैं, आपको जीत बड़ी मिली है, तो इसका मतलब है आपको जिम्मेदारियां बड़ी मिली। अच्छा, जनता को आपसे अपेक्षाएं बड़ी, जनता चाहती कि आने वाली सरकार जो आए वो उसके अच्छे काम करे, जो आपने अच्छे दिन के वादे किए थे उसकी बात हो, रोजगार की बात हो। अच्छा, आज देश के अंदर जो रोजगार की बात नहीं हो रही है। अच्छा, दिन दिन भर हिंदू मुसलमान की बात होती है, कभी पाकिस्तान की बात होती है, एक देश पाकिस्तान, उसका क्या हमारे सामने ये अगर पसमाना सम्मेलन कराना तो क्या दिक्कत है भाई, कराने दीजिए ना। देखिए, बहुत पहले अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर लिखा था, एक ही सफ में आकर खड़े हो गए महमूद अयाज। अच्छा, एक ही सफ में आकर खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा, इसका मतलब है इस्लाम जो है वो जाति की व्यवस्था में बिलीव नहीं करता। अच्छा, इस्लाम के नाम, इस्लाम में सब बराबर हैं जी, और हर व्यक्ति को मस्जिद में अजान देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को मस्जिद में पहली सफ में आगे खड़े तो क्या चाहते समाज ना कराएं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिंदू समाज के अंदर गंदगी की पहली फैलाई दी गई है, हाँ। वही ये चाहते बीमारी जो है वो मुसलमानों के मंदिर आ जाए। अभी पसंदीदा समाज की बात कर रहे थे, मैं आपके भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के अंदर क्या गंदगी फैलाई जी, भारतीय जनता समाज के जो प्रवक्ता महोदय हैं वीर श्रीवास्तव जी, मैं इनसे जानता चाहता हूँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जेलों के अंदर जो लोग हैं वो पसमंदा समाज के मुसलमान हैं। अच्छा, इनके ऊपर झूठे मुकदमे डाल के उनको जेलों में रखा गया, उनकी पैरवी करने वाला, उनका मुकदमे लड़ने वाला लोग नहीं है, वो बेवजह अंदर है, और जब भी कहीं कोई दंगा होता है, कोई राइट्स होते हैं, झूठे मुकदमे लगा के पसमंदा समाज के बच्चों को उनके अधिकारों उसका हनन करके उनको वस्ती झूठे मुकदमे लगा के जेल में ठूसा जाता है। तो अगर इतनी हमदर्दी पसंदा समाज में है, जब आप कोई भी सिर उठा के देख लिए, आप कहीं भी जेल की रिपोर्ट उठा के देख लिए, उत्तर प्रदेश के जगह पे ज्यादातर जो मुसलमान लोग वहाँ पे जेलों के अंदर हैं, झूठे मुकदमों में पसमंदा समाज के लोग हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी पसमंदा समाज से इतनी हमदर्दी रखती है तो मुसलमानों को झूठे मुकदमे क्यों लगाती? और दंगों में जो दंगे होते हैं, किसी धर्म के दंगे होते हैं, उसमें जो लोग मारे जाते हैं, वो पसमंदा समाज के लोग सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, उन्हीं को दिखाया जाता है। अब जो बलात्कार केस में बिल्किस बानो किस समाज की थी? अच्छा, पसमंदा समाज की थी ना वो, और जितने भी किसी इशरत जहाँ जितने जो केस हुए सब लोग कहाँ गए थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरह तो पसमंदा समाज के जरिए मुसलमानों को बदनाम करती है, उनकी एक आतंकवादी छवि बनाने के लिए और उनको बदनाम करने में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, दुरुपयोग किया है वो पसमंदा समाज का किया है। आज ये पसमंदा समाज के हमदर्द बने, उसकी वजह ये है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे अभी 2022 में इसी साल, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन एक मुश्त होके एक समाज विशेष ने इनको बहुत वोट दिए, समाजवादी पार्टी को, इनके विरुद्ध वोट गए। अच्छा, तो ये उससे डर गए। अच्छा, इनको 2024 में, इनको सिर्फ 2024 का इलेक्शन दिख रहा है, इनको कुछ और नहीं दिख रहा है, 2024 में इनको फिर से जीतना है, तो इनको लग रहा है समाजवादी पार्टी को जो एक तरफा वोटिंग हुई है उससे इनकी जो पहिए गाड़ी है वो रुक सकती है। अच्छा, तो इसलिए उस वोट बैंक को जो इकट्ठा होकर एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को पड़ा था उसको तोड़ना चाहते हैं। ये वोट आपको नहीं मिलता क्या? देखिए, इन्होंने इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी बाइपोलर कर दिए थे, जो बयान आपको याद होंगे जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लाल टोपी वालों सावधान रहिए, तो लाल टोपी वाले क्या हो गए? फिर आपने कहा 80% और 20% में चुनाव है, तो योगी जी ने कहा, तो आपने एक साइकोलॉजिकल वॉलफेयर एक इस्तेमाल करके एक मनोवैज्ञानिक तौर से आपने चुनाव को सिर्फ समाजवादी पार्टी और पहले भाजपा कर दिया, फिर उसको जो है हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया, तो उसने आपने किसी को और रखा नहीं, उसकी वजह यह हुआ कि कांग्रेस जो कई सालों से यहाँ लगातार राज्य में उसके 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे कांग्रेस में, उस कांग्रेस को भी कम वोट मिले, कई कई जगह पे कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई, 1200-1300 वोट मिले, 2000 वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष नहीं करें ऐसे ही होगा, संघर्ष की बात नहीं, संघर्ष की बात है भाई, संघर्ष ही लड़ेंगे नहीं, क्यों वोट देगी जनता आपको, क्यों जनता आपको वोट देगी, आप संघर्ष नहीं करेंगे? ये आपको किसने कह दिया कि आम आदमी पार्टी संघर्ष नहीं करती?
मैंने आपकी बात ही नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। नहीं, संघर्ष कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है, हाँ। जो ये उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी रही है, हाँ। आप देखिए रही वो अलग बात है तकी भाई, पर यहाँ पर अगर जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी, जनता अगर महंगाई से तड़प रही है, परेशान है, तो कौन उतरेगा भाई? मैंने कांग्रेस से संघर्ष की बात देख रही, मैंने कांग्रेस का वोट परसेंट कितना कहाँ चला गया, इलेक्शन पूरी तरह से बायपोलर कर दिया गया और किसी पार्टी को उसमें इलेक्शन के अंदर अपनी प्रतिभा देने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, आप जहाँ भी देखिए, जहाँ भी चुनाव उत्तर प्रदेश में चले वो क्या चले होते, जैसे भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा, तो गुजरात में चुनाव हमने आम आदमी पार्टी ने इतनी मेहनत करी, वहाँ कांग्रेस दिखी नहीं। अच्छा, से वहाँ चुनाव बायपोलर हो गया था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो गया था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो गया था। अच्छा, लेकिन वहाँ जानबूझ करके कांग्रेस नहीं लड़ी गुजरात, वहाँ जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस को बीच में लाया। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि गुजरात के अंदर चुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं वहाँ पे, इनके गृह मंत्री ने जो है ये वहाँ पे बयान दिया, उनके गृह मंत्री अमित शाह की पर्चा सुन लिए, उनके गृह मंत्री वहाँ पर्चा लेके बैठ गए थे और जहां जहां से इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी के लोग जीतेंगे उसकी पूरी लिस्ट उनके हाथ में थी। अच्छा, और ये कह रहे थे देखेंगे कैसे आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतती, एक जीरो सीट मिलेगी। अच्छा, हमने इनके चाणक्य के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनको पांच बार उनको गलत साबित किया, आम आदमी पार्टी 5 सीटें इनके नाक के नीचे जीतने में कामयाब हुई। बना रहे थे वहां पर सरकार, तो हमने लोगों के दिल में बना ही ली है। अच्छा चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है अपनी सरकार अपनी धाक लोगों के दिल में बना लेती है। ठीक है। अब अभिमन्यु त्यागी जी भाई, यहाँ पर हिमाचल आप जीत कर आए हैं और निश्चित रूप से इससे मनोबल तो बड़ा ही होगा, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और प्रादेशिक यात्रा भी उत्तर प्रदेश शुरू हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू होगा 26 जनवरी के बाद से। प्रियंका गांधी खुद इसकी शुरुआत भी करेंगी, इसका नेतृत्व भी करेंगी भाई। यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण है और निकाय चुनाव भी आवश्यक है और यहाँ पर 24 चुनाव भी आने वाले हैं, पर जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर पसमानदा सम्मेलन करा रही है भाई, आपकी क्या सोच है भविष्य में, आप लोग भी इस तरह सम्मेलन कराएंगे या बीजेपी का बेहतर यहाँ पर स्टोक है इस तरह सम्मेलन कराना? गौरव जी, पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। भारतीय जनता पार्टी क्या करा रही है, क्या नहीं करा रही, जो भी संविधान के दायरे में ये जो कुछ करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, फ्री है। अच्छा, लेकिन जहां तक ये इनके पसमांदा समाज के सम्मेलन के बारे में हमको राय दे सकते हैं। अच्छा, तो जो भी उनमें जो समाज आते हैं जी, जैसे सलमानी है, कुरैशी है, अंसारी है, अलवी है, हवाराती है, वन गुजर है, मंसूरी है, इदरीसी है, ये सब वो समाज है जो कुटीर उद्योग अपने धंधे खुद करते आए हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 6 साल से, केंद्र में 8 साल से, इन लोगों ने इनको क्या रियायत दी है? अच्छा, मुख्य धारा में कैसे लेकर आए हैं, ये है पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब चुनाव का समय है, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पे अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है, काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। और चुनाव के समय हमेशा हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो इन बातों का कोई मायने नहीं रखा जाएगा जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि पाकिस्तान ही आना है चुनाव के समय। अच्छा, आना है और अपनी हार की हताशा इनके सामने आ चुकी है, ये चुनावी जुमले हैं। अच्छा, 5 साल में ये बाहर पिटारी से बाहर निकालते हैं ऐसी ऐसी बातें, गुमराह करते हैं, छल कपट से लोगों के बीच में दरारें बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनको सचमुच में काम करना, मैं फिर से बात कहना चाहूंगा, ये जो करना चाहते हैं स्वतंत्र है, अगर सचमुच में इन्हें काम करना है तो अंसारी समाज के लिए जो हैंडलूम का काम करता है, आप बताएं उस खुट्टी के लिए इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने बिजली की जो रियायत थी इन्हें क्या रियायत दी, ये बताएं कुरैशी समाज के लिए इन लोगों ने क्या रियायत दी है, आप बताइए। उनका लिंचिंग तक होने लगी है पशुओं के नाम पर, बहुत लंबे उसमें भय बैठा हुआ है लोगों के मन में जी। अब इनसे ये जवाब ये देंगे, सैफी समाज जो लकड़ी फर्नीचर का काम करता है, जो सहारनपुर लकड़ी फर्नीचर के नाम पर पूरी दुनिया में भी मशहूर रही है, पूरा सेक्टर बर्बाद हो गया, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पसमांदा समाज के लिए, जो खासतौर पर मुस्लिमों में है, जो पिछड़ा समाज है, उनके लिए क्या काम करा? कुछ काम नहीं करा भाई। आपको लगता है कुछ काम नहीं किया, तो अगर यहाँ शुरुआत कर रहा है, उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के प्रयास कर रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं, तो दर्द क्यों हो रहा है? आप भी करा लीजिए। दर्द मैंने तो, गौरव जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा कोई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइमिंग जो है वो चुनाव की है। अच्छा, टाइमिंग चुनाव, 5 साल बाद पिटारे में से निकाला, लेकिन चुनाव दे दिए, फिर ये लड़ेंगे पाकिस्तान के मुद्दे पर, तो पसमांदा मुसलमान क्या करेगा उस समय पर? अच्छा, ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं, काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, गंदगी नगर निगमों में भरी पड़ी है, सब जानते हैं, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहीं कोई स्मार्ट सिटी नहीं दिखता जी।
भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं जी। ठीक है, ठीक है अभी भाई, हमारे साथ दिलीप एस प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं विश्लेषक के रूप में। दिलीप भाई, यहाँ पर जिस तरह से ये पसमानदा सम्मेलन कराए जा रहे हैं, और सम्मेलन की व्यवस्था अगर पुरानी है, 14, 17, 19, 22 से हम लोग लगातार देख रहे हैं, तबूल वर्ग के सम्मेलन, वर्ग विशेष सम्मेलन लगातार चलते आ रहे हैं, पर अगर पसमानदा सम्मेलन हो रहा है तो उससे अन्य दलों को दिक्कत क्यों है, और ये बीजेपी का कैसा स्टोक है? गौरव भाई, बीजेपी पसमानदा समाज का सम्मेलन कराने जा रही है जी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और हर वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, चाहे दिस वे चाहे दैट जी। बड़ी बात ये होगी, क्या पसमानदा समाज के लोग इस सम्मेलन में जाएंगे? क्या बात है? अगर जाएंगे तो पहला सवाल उठता है कि क्यों जाएंगे? पसमानदा समाज के कितने लोगों को इन्होंने नगर निगम के या नगर निकाय के चुनाव में टिकट दिया है, क्या किसी को दिया है जी? अगर नहीं दिया है, अगर इस छोटे चुनाव में टिकट नहीं दिया है, तो क्या 2024 में सांसदी का टिकट देंगे जी? मेरे हिसाब से तो नहीं देने जाने की बात चल रही दिलीप भाई, तो ऐसी क्या बात है जो जी देने जाने की बात चल रही, जानकारी ये मिल रही है कि 1200 से ज्यादा लोगों को टिकट देंगे इस बार, सुनने में आ रहा है साहब, सूत्र बताते हैं जी। अगर 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 देंगे जी, अगर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी फिर तो। अच्छा, इनकी जो राजनीति का आधार है, फिर ये हिंदू मुसलमान का बाइफरकेशन कैसे करेंगे? अच्छा, और फिर कैसे 80 और 20 की बातें होंगी? फिर कैसे ये मंदिरों को हटा करके मस्जिदों को लाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, और अगर इन सब के बावजूद भी पसमानदा समाज या मुस्लिम समाज इनकी तरफ आकर्षित होता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये सारी बातें केवल चुनावी स्टेटमेंट्स हैं, वाकई में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम कर रही है जिससे हिंदू मुसलमान और सारे वर्ग के लोग उसकी उसकी कार्यशैली से प्रभावित हो रहे हैं जी, उसके डेवलपमेंट से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उसे जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये तो सवाल मुसलमान कम्युनिटी के सामने खड़ा हो रहा है ना, कि वो पसमानदा समाज या वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहेगा कि नहीं जुड़ना चाहेगा, और जुड़ना चाहेगा तो क्यों जुड़ना चाहेगा? अच्छा, क्यों जुड़ना चाहेगा, महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। विवेक भाई, यहाँ पर अमीन भाई की बात का जवाब भी दीजिए, और यहाँ पर दिलीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि सम्मेलन करा रहे हैं, सम्मेलन में आएगा कौन और कैसे आएगा? अमीन भाई जवाब दीजिए पहले जी। देखिए गौरव जी जी, हमारे समाजवादी पार्टी की मित्र कवाल कांड की चर्चा की जी, कवाल कांड क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आजम खान की उसमें भूमिका क्या थी, सबके सामने जग जाहिर है जी। और जो अभी मुसलमानों के बड़े हिमायती बन रहे थे, उसी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो सरकार का रिफ्यूजी कैंप था, या कह लीजिए शरणार्थी कैंप सरकार ने जो बनाया था, मैंने रिफ्यूजी गलत शब्द यूज कर दिया जी, उसी शरणार्थी शिविरों में 60 बच्चे मुसलमानों के तब मर गए जब अखिलेश यादव सैफई में बैठ करके एसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। अच्छा, आपको याद है आलिया भट्ट डांस कर रही थी? बिल्कुल, और ये मुसलमानों के हिमायती बनने के का तमगा लेते हैं, ये तो समाजवादी पार्टी का हाल रहा। अच्छा, और उस 60 बच्चों के मरने पे इन्होंने एक एसडीएम तो छोड़ दीजिए, अगर एसडीएम कार्यालय के एक चपरासी को भी सस्पेंड किया हो तो मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र उसका नाम बता दें, मैं खुले दिल से उनकी बात का स्वागत करूंगा। अच्छा, एक विषय। दूसरा, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र तमाम अपनी जीत की और तमाम विषयों की दुहाई दे रहे थे, देखिए हिमाचल में कांग्रेस जीती तो क्या हमने इनको वहां से भी रिप्लेस कर दिया? वहां से तो ये खुद बाइक होकर के भागे थे। अच्छा, तो देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन इन्होंने रिप्लेस किसको कर रहे हैं? ये कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनकी अभी तक सीधे टक्कर कहीं नहीं पड़ी है। अच्छा, और जो बार बार ये बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने पर्चा लिया, हिमाचल में भी इन्होंने बड़ा दम भरा था, हिमाचल में तो खाता नहीं खुला, क्या अमित शाह हिमाचल भी गए थे इनकी रणनीति तय करने? तो ये तो बेबुनियाद की बात है। अच्छा, अब रही बात गुजरात की, आपने इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये आधिकारिक रूप से भी सत्य रही है, ये इसकी घोषणा चुनाव आयोग करता है, समय पे करेगा, तो उसके पहले अगर हम आप इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते रहे, दूसरा ये गुजरात में गए तो ये पर्चा लिख रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, ये आएगी,
परिणाम से पहले ही वो पर्चे वाले की भाषा बदल गई। तो हर आदमी अपना गुण दिखाएगा भाई। लेकिन अमित शाह साहब इतने बड़े चालक के सामने आते हैं भारतीय राजनीति के, अपने उनकी वहाँ के रहने वाले, उन्होंने कहा था कि वह आम आदमी पार्टी को एक सीट वहाँ नहीं देंगे। मेरी बात पर्सनल जिम्मेदारी ली थी, सारे पर्चे जहाँ जहाँ से आम आदमी पार्टी को देखिए जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, आप तो पर्चा लिख रहे थे कि साहब यहाँ इनकी सरकार हमारी सरकार बनने जा रही है। आपने तो एमसीडी में हमें 20 के अंदर समेट दिया था। अच्छा। हम 20 का 5 गुना लेकर के निकले, उससे ज्यादा लेकर के निकले एमसीडी में जी। तो ये आपके जो पर्चा की राजनीति रही, इसको जनता ने सिरे से खारिज किया जी। और जो आपके पर्चा लिखने वाले नेता थे उनकी भाषा एग्जिट पोल के परिणाम आने से पहले ही बदलती दिखी। अच्छा। खैर वो बस अपनी बात बदलने के लिए जाने जाते हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा। रही बात गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव में आप मॉडल और योजना और विकास तमाम बातें कर रहे थे, 27 सालों का आप कुशासन बताते आप थके नहीं, लेकिन उसी 27 साल की त्याग तपस्या का परिणाम है कि 27 साल बाद गुजरात की जनता ने वो मैंडेट दिया जो मैंडेट आज तक वहां पे किसी राजनीतिक दल को गुजरात की जनता ने दिया नहीं था। ये सारे विरोधी राजनीतिक दलों पे मुंह पे तमाचा मारा है गुजरात की जनता ने, जो गुजरात के विकास को लेकर प्रश्न उठा रहे थे। तो लोकतंत्र में गौरव जी जनता जनार्दन होती है, जनता के फैसले को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने मंच पे सर झुका करके स्वीकार किया है, वैसे हमारे विपक्षी मित्रों को भी स्वीकार करना चाहिए। आपकी बात ठीक, इस तरह की बात जनता के फैसले पे इस तरह की टीका टिप्पणी उचित रही है। जनता का फैसला, जनता की मोहर सबसे बड़ी मोहर होती है लोकतंत्र में, और उसका जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शपथ मंच पे स्वागत किया है, अभिनंदन किया गुजरात की जनता का, उसी तरह ठीक है आप 5 सीट पाए, कांग्रेस को रिप्लेस करके पाए, कांग्रेस के कमजोरी की वजह से पाए, एमसीडी में भी आप वहां जीते जहां कांग्रेस को रिप्लेस कर सके, ठीक है, लेकिन जनता ने आपके पक्ष में फैसला दिया, तो जनता के जनादेश का आप भी उसी तरह स्वागत करिए। और उसमें किंतु परंतु ये मत ढूंढिए 27 साल का विकास आपको नहीं दिखता गुजरात में, गुजरात जनता को दिख रहा है। विकास की बात आपने गुजरात के पूरे चुनाव के दौरान की नहीं, आप जो चुनाव खत्म हो गए 27 साल विकास जाने वाह भाई, वो 27 साल का विकास कहां था चुनाव के दौरान? जो काम आपके योगी जी साहब, जो काम जनता के बीच बोल रहा है, केजरीवाल जी को आतंकवादी साबित करने में लगे थे, उनको आतंकवादी कर रहे थे, जो एक व्यक्ति जो 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 काम है, जो काम जनता के बीच दिख रहा है, उसके एमएलए जो काम सामाजिक तौर से कह रहे हैं, एमएलए तो मुख्तार अंसारी भी है, आपके एमएलए होने से आजादी होने एक एक मुख्यमंत्री की बात होनी चाहिए, देश के दूसरे मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहे, वाह भाई एमएलए ज्यादा लेवल बातचीत का नीचे क्या हो सकता है? जब आप जवाब दिया लगाओ, आप पूरे आतंकवादियों के साथ देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक एक लखीमपुर में कांड हुआ था, बीजेपी वहां भी जीत गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव में जा नहीं पा रहे थे, आपके विधायक को लिटाया जा रहे थे, आप वहां भी जीत गए थे, जीतने की बात बंद करिए। पार्टी कैसे चुनाव जीतती है सब जानते हैं, देश जानता, जनता जानती है, लेकिन आप जीतते इतनी भी सीटों पे, जनता का काम आपने क्यों नहीं किया? अराजकता का व्यापक कोई नहीं, आपसे पिटवा नहीं मांगा है, आज भी पूरी पूरे विश्व में आपके मुंह डाल के हो रहे हैं, पिछले एक महीने में पिछले 8-9 साल करा रहे हैं, वो आपको दिखा देता है, नीचे क्रूड ऑयल है, उसके बाद क्रूड ऑयल के रेट महंगे हो रहे हैं, उसके बाद भी आपने महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके बाद खाने के रेट को कम नहीं कर पा रहे, जेल महंगा हो रहा है, मिलावट हो रही है, मिलावट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप जीएसटी से पैसे वसूल रहे, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी के वसूलने का विरोध हो रहा है, गलत तरीके से जीएसटी इस्तेमाल करके आप उत्तर प्रदेश की व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रहे हैं, जीएसटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, सामान होता है जीएसटी पहले नहीं आता, उसके बाद जो है उनका नहीं क्या था, आपके पैसे से मसाज करा रहे हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके पास जो सामान उपलब्ध नहीं था, जो बिका भी नहीं था, उसका जीएसटी के बाद जो नहीं हमने कैलकुलेशन किया,
कहा पहले जीएसटी जमा करिए अपना, ये जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ व्यापारियों को जान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनका व्यापारी होने की सजा नहीं जा रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, उनका व्यापारी होने की सजा दे रही है, जीएसटी के नाम उनका दोहन हो रहा है, कहा जा रहा है टैक्स जमा कराओ, वो लोग दुकानें बंद करके भाग गए, लोग दुकानें बंद करके भाग गए, बीजेपी के अत्याचार, ये अत्याचार पूरा प्रदेश देख रहा है, और निकाय चुनाव जो आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का व्यापारी जवाब देगा, इसी वजह से चुनाव डिले करने जा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ पाए आज रेट में, अगर आज रेट में चुनाव लड़ जाए तो निकाय चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इनकी स्थिति इतनी खराब है, इसीलिए डेट बढ़ाए जा रहे हैं, विधवा विलाप से भारतीय जनता पार्टी, विधवा विलाप तो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी तो जम के लड़ते हैं, छोटे बात कहते हैं, डरे किसी ने आज तक में रिकॉर्ड बात सी जा रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी, क्या आपने क्या नहीं किया, आप कर डाला आपने, अभी सुन लीजिए, इसी कंट्रोल ने किया आपने, डीआईजी कंट्रोल किया, पुलिस कंट्रोल किया, हिंदू समाज की बुराइयां मुस्लिमों के ऊपर थोप रहे हैं, ये इनको हिंदू समाज में बुराई आती है, मैंने जाति क्या जाति का रास्ता सही है क्या, रुक जाइए, बताइए क्या जाति के जातियों बांटना, जाति ना वोट डालना, रुक जाइए, तो चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाति के नाम पे रैली ना करिए, आप जाति के नाम पे सभा मत करिए, डाटा गया है, कबड्डी डाटा नहीं गया, मेरी बात आइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, जिस मुस्लिम धर्म में आप कह रहे जाति नहीं है, उसी मुस्लिम धर्म के में जाति है, आप बैठ करके अगर चैनल पे झूठ बोलना चाहते तो आपको झूठ मुबारक हो, क्या सिया सुन्नी का विभाजन नहीं है, जाति नहीं है, जाति नहीं है, बात पूरी हो जाती है, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, क्या क्या सिया के मस्जिद में सुन्नी नमाज पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, ऐसी बात तो मत करिए, हमने पढ़ा 4-6 साल मैंने अरे मेरी बात पूरी, यही सब भ्रम पैदा करते हैं समाज के अंदर, आप जात के नाम पर रिजर्वेशन का लाभ लेंगे और कहेंगे साहब मुसलमानों में जाति नहीं है, क्या 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 दुलार समाज मुसलमानों ने कभी आरक्षण के नहीं नहीं मांगा जाति के नाम पे, मुसलमान अपनी मेहनत से आप ले रहे हैं, वो मेहनत का इंसान है, छोड़ दीजिए, वो मेहनती है, क्या वो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, उसने समाज के और नौकरियों में मुसलमान आया समान वर्ग का लाभ ले रहा है, योग्यता के आधार पे आया है, तब तो आप कोई कभी आरक्षण नहीं मांगा, तब तो कहोगे जात के आधार पर आरक्षण दे दो, मेहनत कर रहा है वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है, इनका इनका मैं बोलना चाहता हूं, इनकी छलता देख ली, क्योंकि आप लोगों की बातों में कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, के नाम पे जी आरक्षण का लाभ लेगा, उसमें जात लिखेगा जोल्हा, उसमें जात लिखेगा चुड़ियार, उसमें तब तब ये तब जात रही गड़बड़ाएगी इनकी, आज ये बैठ करके यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं, आप ये बताइए इनका दोगलापन, चलिए आज साहब ने इसे पूछिए, एक मिनट एक सेकंड जल्दी बात करिए, मानी श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ, ये बता दे मुझे कि मुसलमानों को आरक्षण के नाम पे कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में नौकरियां प्राप्त है, क्या उनका शेयर है बता दे आप, अच्छा और इतना आरक्षण मिल रहा है मुसलमानों को, ये सब बातें टीवी पे आके कहने से और जनता को वरगलाइए नहीं, मुसलमान अपने दम पे खड़ा है, जनता से जियाउल हक जो जिसका जिसका समाजवादी पार्टी सरकार में कुंडा में मुठभेड़ में जो मारे गए सीओ, आरक्षण के तो नौकरी नहीं पाए थे, जियाउल हक कितने थे, कितना प्रतिशत था, तो वही तो हम समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, वही तो पसमांदा समाज बांट रहे हैं, जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जब हम मदरसों में मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, जब हम शिक्षा का स्तर वहाँ कंप्यूटर लागू करते हैं, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम लागू करेंगे, आपके पेट में दर्द होगा, जब हम मुसलमान को सुधारना और सुधार लीजिए, पहले उस अपराधी को सुधारिए जिसने भगवान प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहा था, तो पहले उस अपराधी पहले उस नहीं मालूम है तो जानकारी कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ पहले उस अपराधी को सुधार लीजिए, दूसरी बात आप सुन लीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया तथ्यात्मक आप निकाल लीजिएगा, मैं जो मैं कह रहा हूँ दूसरी बात हारने और जीतने हमने उनका विरोध किया, हमने उनका विरोध किया है, आप अपनी बात करिए उनकी बात मत करिए, दूसरा विषय है हार और जीत किसी का छाया बुराया नहीं बिठाता,
मिटाता है। सुप्रीम कोर्ट में होती है, हार और जीत बुराइयां नहीं मिटाता है, क्योंकि यही 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 भारतीय जनता पार्टी है। 52 साल तक तरसती रही, जीत नहीं कर पाई, सरकार नहीं बना पाई 52 साल तक। गुजरात छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, भारतीय जनता पार्टी 52 साल उभरा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं बना पाई है भारतीय जनता पार्टी 52 साल। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, जमानत जब छोड़ गई थी आदरणीय अटल, जो तत्व रख रहे हैं, 52 इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सदस्य, आप लिख लीजिएगा बाद में, बाद में लिख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब तोड़ गई थी, क्या उन्होंने कोई गलत काम किया था? बिल्कुल नहीं गलत काम किया था, मैं कह रहा हूँ कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन जमानत जब हुई थी उनकी। अरे ये चाहिए अमित भाई, किसी के जीत में हार भाई, पर यहाँ पार्टी की पुरानी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने तो भारतीय सत्ता पाने के लिए अपने अस्मिता को ही मिटा दिया। आपको नहीं मालूम था भारतीय जनता, भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी बना दिया, भारतीय जनता पार्टी इस बात, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। विवेक भाई, नवीन भाई, विवेक भाई ने सवाल पूछा था आपसे मुजफ्फरनगर को लेकर कि वहाँ पर बच्चों, शायद 60 बच्चों की बात हुई, कह रहे थे उस पर जवाब क्या देंगे? पहली बात तो इन्होंने कहा कि क्या कार्रवाई की गई थी, डीएमएसपी तुरंत हटा दिए गए थे। अच्छा। बाद में वो उस एसएसपी को लाके यहाँ पर लखनऊ के एसएसपी बनाया गया था, महिला एसएसपी थी। झूठ बोल रहे हैं आप, आप झूठ बोल रहे हैं, हटा दिया गया था। दंगे आप बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल मत बोलिए, रुक जाइए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल दीजिएगा, आप सच बोल दीजिएगा, ये दंगा कराने वाले हैं मेरे सामने, इन्होंने 6 साल के बच्चों को मारा। खान का फोन थाने में क्या गया था, इन्होंने बताइए, इन्होंने 6 साल के बच्चों को मारा, भारतीय जनता पार्टी सुनवा दीजिए, पूरा दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, भारतीय जनता चैनल बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मुकदमा वापस लिया उन दंगाइयों पर, उन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन दंगाइयों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा नहीं वापस हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से एक अपराधी उनमें से एक अपराधी को सजा भी हो गई, विक्रम सैनी को कोई कार्रवाई नहीं हुई, विक्रम सैनी को कमल कांड में सजा हुई है, हम मुसलमानों को संगीत शामिल हो, उसी पे कमल कांड को भड़काने में उनके ऊपर फाइन लगा हुआ है, सजा तो इनको मिली हुई है, मुसलमानों को सजा तो इनको मिली हुई है, बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या, सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या, बाहर रखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या, हाई कोर्ट गलत है क्या, मुसलमानों का विकास नहीं चाहते, स्थानीय कोर्ट गलत है क्या, मुसलमानों का विकास नहीं चाहते, जितने दंगाई थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जितने दंगाई थे उनके ऊपर थे, प्रदर्शन से पढ़ के लिखने वाले इंडियन पासपोर्ट में अंगूठा छाप लिखे, इन्होंने जो किया, इन्होंने जो किया है, बिल्किस बानो के, बिल्किस बानो के मुसलमानों का अंगूठा छाप बना रखना चाहते हैं, एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को, एनआरसी के विकास की बात, एनआरसी के नाम पे दंगा कराया है, सीए के नाम पे दंगा कराया है, इन्होंने जा रहे हैं, अगर उनके विकास की बात करते हैं, इनको जरूरत पेट में दर्द होता है, खुद तो कुछ किया नहीं, इनको भी जरूरत पड़ती है, मदरसे को मान्यता दिलाई नहीं, इसे जाके पेट में दर्द होता है, क्या बात करें मुसलमानों के बारे में, पीडीपी से जाके आतंकियों से मिलकर सरकार बना लेते हैं, आतंकियों के लिए जाके छोड़ाते हैं, ये क्या बनाए, ये क्या हमको सिखाएंगे, ये क्या सिखाएंगे, पूरी तरह और ये मुसलमान का भाग जंग है, और ये मुसलमानों का क्या भला करेंगे, जमीन खरीद लीजिए, जो मुसलमान, जो मुसलमानों का, जिसकी स्थापना मुसलमानों के विरोध में हुई है, वो क्या पसमानदा का करेंगे, वो क्या पसमानदा का करेंगे, किसी प्रकार का भाई वहाँ पर अडानी जमीन खरीदे जाएगा, उनके राज्यपाल कहते हैं, इनके राज्यपाल कहते हैं कि अडानी जमीन खरीदने गया था 200 करोड़ रुपए दे रहा था, ये विषय में बात नहीं कर, 200 रुपए दे रहा था, मतलब उनके विकास की बात, आपने मुसलमानों का जो उत्थान किया होगा, मुसलमानों का जो उत्थान किया हो, ठीक है, मुसलमानों का कतरेआम कराया, मुसलमानों का कतरेआम कराया, मुसलमानों के जो पैगंबर इस्लाम उसमें आप बंटवारा करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, तुम्हारे
आपका अपराधी सिद्ध हो गया। हम किसी का भी डांस देख रहे हो लेकिन अपराधी सिद्ध हो गया। अपराधी अपराधी सिद्ध हुआ है। आप उसको बताइए जिसको सजा हो गई है। आपके सरकार ने अपराधियों से दंगाइयों से मुकदमा वापस लिए थे। विवेक भाई हो गया कोर्ट ने मुकदमा हो गया ठीक है। और लोग भी है ठीक है। सबन भाई विवेक प्लीज अभिमन्यु भाई ये बताइए यहाँ पर विवेक भाई बोल रहे हैं कि आप लोग राम को काल्पनिक बताते थे और मुस्लिम और मुस्लिम समाज को आप पूछते नहीं है। अगर उनको पूछ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई? दंगाइयों के खिलाफ के जो अभिमन्यु भाई बोलेंगे अभिमन्यु भाई जी देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करने की राजनीति करती है। अच्छा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई हलफनामा कभी दाखिल नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कोई दाखिल नहीं किया गया जब कांग्रेस सरकार थी। अगर ऐसा कहीं कोई देखिए बात सुनिए अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर है मानहानि का एक नोटिस भेजा है। जो नगर निगम के साथ सरकार आगे भाई तक प्लीज प्लीज आगे बोलिए अभिमन्यु भाई बोलिए कहना चाह रहे हैं जी बोलिए कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से ज्यादा जो असल मुद्दा है नगर निगम का जी वो है स्वच्छता का। अच्छा सफाई का ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग कर सके। वो नगर निगम ने कहीं प्रोवाइड नहीं कराया ना कहीं कोई जगह है जी। आज इसके बारे में बात होनी चाहिए कि कूड़े का कैसे निस्तारण हो कैसे उससे बिजली बने जी। लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा और आप देखें गंदगी बढ़ती जा रही है हरियाली घटती जा रही है। अच्छा। इसके बारे में इनको बात करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी घिर रही है लंबे अरसे से ये नगर निगम पर काबिज है। इनकी मोनोपोली चल रही है इनका सिंडिकेट है। अब चुनाव के वक्त इनके हाथ पांव फूले हुए हैं इसलिए अलग अलग मुद्दे पर ये भ्रमित करने के लिए जनता को बांटने के लिए अच्छा। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन आखिरी में चुनाव फिर से ये पाकिस्तान के मुद्दे पर लड़ पाएंगे क्योंकि अच्छा। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कोई विकास की पॉलिसी नहीं है कोई स्टैंड नहीं है। और निश्चित तौर पर इनकी हार तय है। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने जा रहा है। उससे कोई वजीफा मिलता क्या कांग्रेसियों को जिस तरह से आपके मध्य प्रदेश के नेता ने प्रधानमंत्री हत्या की बात की है क्या अलकायदा की कोई बिंग बन गई है क्या कांग्रेस में मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का क्या आतंकवादियों की अगर हम आतंकवादियों के दमन की बात करते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है आपको दिक्कत क्या है अगर हम पाकिस्तान के नाम पर लानत भेजते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है कौन से रिश्तेदार पाकिस्तान मिस्त्री के बयान से सोनिया गांधी के बयान से जोड़ के देखा जाए
ये कौन सा कर रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री कर रही है, आपको सर्व आदमी दे रहे हैं किसी को भी? आप कौन सा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है? मेंटेन अगर हम पाकिस्तान में लालच बेचते तो आपके पेट में दर्द किस बात का भाई? जी कौन सी सरकार में बैठ के छोड़ना बता दीजिए, वो भी देश को बोलने का मौका दीजिए। बोले अभी मेरे भाई बोलिए, जल्दी जल्दी बोले बोले, डिस्टर्ब ना कीजिए, देखिए हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जी जी इनकी आवाज कम कर दीजिए। अभिमन्यु भाई बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए मेरा एक सिर्फ एक निवेदन है, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। बोले बोले तो जब मैं बोलूं तो डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। जिस तरह से नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, अच्छा गंदगी चारों ओर दिखती है, आवारा पशु से लोग परेशान है शहरों में जी, और कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है जी, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है किसी भी तरह की। साफ जो जल मिलना चाहिए पेयजल, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर जगह ये सरकार फेल है, भारतीय जनता पार्टी फेल है लंबे अरसे सर। ये नगर निगम पर काबिज है, लेकिन अब जब चुनाव है, चुनाव के समय ये लोग जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता को निश्चित तौर पर सबक सिखाने जा रहे हैं। जनता जाति लोकतंत्र में काफी हो, जनता आपको हर जगह फेल करती जा रही है। अभी गुजरात में फेल होके लौटे हो जी, उसके बाद बता रहे हो हमको फेल। अभी आप हिमाचल में हारे हैं, हिमाचल में आप कैसे हारे हो? मसौली हारे हैं, सामने वहाँ पर कैसे हारे हैं जी? एमसीडी में आपसे धूल चाटी है, आपसे पिछले बार से ज्यादा बता के हारे हो रहे हैं, हारे हो रहे हैं। परसेंटेज ना बताइए जी, एनका टूट गया है आपका, उसमें भी डिबेट करा ली, लेकिन आप बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप तीन जगह थे, दो जगह हार गए, जगह रह गए। अरे भाई आप जड़ी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, गुजरात में पलायन करके तक मैं लेता हूं। हिमाचल की हार की जिम्मेदारी आपका भाग नहीं है जी। ठीक है ठीक है, तकी भाई हार की जिम्मेदारी नड्डा जी की और गुजरात की जीत की जिम्मेदारी अभी लेता हूं, अभी लेता हूं। दिलीप भाई मोदी जी की, वाह भाई वाह। चल ठीक है दिलीप भाई, हमने रामपुर जीता है आजादी के बाद से पहली बार। दिलीप भाई हो गया प्लीज। दिलीप भाई यहां पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहां पर जिस तरह से पसमांदा समाज के लोग आएंगे कितने। दिलीप भाई ने कहा अगर विकास से मुख्य धारा में लेके आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, आएंगे ही आएंगे। पर आपको क्या लगता है क्या आधार हो सकता है कि वहाँ पर लोग आए और बीजेपी से जुड़े, क्योंकि स्थिति तो अभी ऐसी नहीं बनी है कि लोग जुड़ते चले जाएंगे जी? विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं इसलिए पसमांदा समाज इनसे जुड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन वो विकास की मुख्य धारा है क्या? अच्छा, क्या जो पसमांदा समाज के अलावा बाकी लोग हैं अदर देन मुस्लिम जो हैं, क्या वो सब के सब विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं? अगर जुड़ गए हैं तो रिजर्वेशन खत्म करवा दीजिए, क्योंकि रिजर्वेशन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लाया गया था जी। अगर पसमांदा के अलावा बाकी समाज के सारे लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं तो उनका रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए और पसमांदा समाज को रिजर्वेशन दे दीजिए और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ लीजिए। और वो कौन सी विकास की मुख्य धारा जिससे आप जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उनके लिए, क्या रोड मैप है आपका? मैंने फिर कहा कि सारी चीजें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और वो सामाजिकता का स्वरूप खड़ा करके सत्ता बनाने की कोशिश करती रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है, लेकिन इस सत्ता के बनाने के प्रक्रिया में मुस्लिम समाज की सहभागिता अगर उसको मिलती है तो ये सवाल मुस्लिम समाज के सामने पहले खड़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। अगर वो किसी पर्टिकुलर मुसलमान के खिलाफ बोलती है जिसका चरित्र खराब है, जिसका व्यक्तित्व खराब है, जिसकी करनी खराब है, तो समझ में आता है कि भाई व्यक्ति खराब है तो व्यक्ति को गलत कहा जा सकता है, लेकिन पूरे समाज को गलत कहने का मतलब है कि पूरे मुसलमान समाज की बात कही जाती है, तो पूरे मुसलमान समाज को अगर गलत कहा जाता है तो फिर वो इनसे क्यों जुड़ेगा? अच्छा, ये बात मुसलमान समाज को सोचनी है, पसमांदा समाज को सोचनी है। ठीक है भाई, तकी भाई कुछ बोला थे? देखिए मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी जो है जो भी बात कर रही है यथार्थ से बहुत दूर है। अभी मैं पूरे लखनऊ का दौरा कर रहा हूँ, चुनाव आने वाला निगम का, और हर जगह हर वार्ड में कुछ ना कुछ पदयात्राएं हो रही, मैं लगातार टहल रहा हूँ। अच्छा। आप देखिए मैं अभी कल गया था इब्राहिमपुर, वार्ड नंबर 4 है, वहाँ गया था, वहाँ बुरा हाल है। अच्छा। कितनी नालियाँ जो है बेकार है, पानी भरा हुआ है, मच्छरों का वहाँ जमावड़ा है। इस वक्त लखनऊ जो है वो 4-5 तरह के फीवर से परेशान है, डेंगू से, टाइफाइड से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से और जनरल फ्लू चल रहा है।
और आपको बिल्कुल वहाँ साफ दिख जाएगा कि इतने मच्छर वहाँ लखनऊ में क्यों हैं। और मैं जिस भी एरिया में जाता हूँ वहाँ सड़कें सही से नहीं बनी है, गड्ढे पटे नहीं है, बारिश होती पानी में इकट्ठा होता है, मच्छर अंडे देने लगते हैं, लार्वा देने लगते हैं, वहां से मच्छर बनना शुरू हो जाता है। ना प्रॉपर फ्रॉगिंग हुई है, ना एंटी लार्वा लगा प्रॉपरली पड़े हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, आज भी कल भी मैं पेपर पढ़ा था 26-27 पेशेंट जो है लखनऊ से डेंगू के आए हैं, और एक बार तो बहुत ज्यादा आए थे तो लगा। और लोग अभी डेंगू के स्वरूप को बदल गया है, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, फीवर में कई बार वो डिटेक्ट नहीं हो पाता कि डेंगू है। तो जो स्मार्ट सिटी लखनऊ का बुरा हाल उन्होंने किया हुआ है, वो लखनऊ जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी को 5 बार जिताया है, वो देश के प्रधानमंत्री बने 3 बार, जहाँ से राजनाथ सिंह रहे, जो गृह मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, जहाँ से आपके लालजी टंडन जी रहे हैं, जहाँ से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस लखनऊ स्मार्ट सिटी का इन्होंने बुरा हाल रखा। मैं इसे कहता हूँ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, एक लखनऊ सही कर दो, एक लखनऊ के 2 वार्ड सही दिखा दो, सही से काम नहीं हुआ है। सिर्फ इश्तेहारों में, मीडिया चैनलों पे चमकीले इश्तेहारों में दिखता है। अगर धरातल पे जाइए आप, मेरे साथ आइए लखनऊ, मैं आपको 1 घंटे की यात्रा कराता हूँ, आप कैमरा लेके आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वार्डों का क्या बुरा हाल है। जहाँ 27 साल से लगातार बीजेपी के पार्षद है, 30 साल से लगातार बीजेपी पार्षद है, वहाँ बुरा हाल है। 23 साल से लगातार इनका मेयर है लखनऊ में, और 65% इनके सभासद वहाँ लखनऊ से है। लखनऊ ने इतना दिया, लखनऊ को उन्होंने डेंगू दिया, मलेरिया दिया, बुरा हाल दिया है, अस्पताल ढंग का ना बना पाए। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी, स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं लोग जी, देखिए विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा। विकास की कोई डेडलाइन नहीं होती। इस तरह से लखनऊ में बड़े पैमाने पे बड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, और जगह जगह गैस की पाइपें डाली जा रही हैं, और जिस तरह से आपने देखा होगा लखनऊ में आज बाजारों में शाम को भी झाड़ू लगते हुए, इसके पहले दृश्य कभी देखे नहीं गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में, यहाँ पे संयुक्ता भाटिया जी के रहते नगर निगम की दशा सुधरी है, ठीक है, लखनऊ ने हमें मेयर दिया, लखनऊ हमको आगे भी मेयर देगा और आगे भी सभासद देगा, और लखनऊ ने पूरा उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अरे जनता जनार्दन का, जनता को आपने दिया, बिल्कुल जनता दे रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहा, आगे भी प्राप्त होता रहेगा। हमने जनता को जो स्वच्छता व्यवस्था दी, जो सफाई दी है, वो भी देखने लायक है। और रही बात डेंगू मलेरिया की, ये सीजनल चीजें हैं, ये तो दिल्ली में भी आती है, तो वो तो दिल्ली में केजरीवाल ने डेंगू दिया क्या, ये विषय नहीं है। लखनऊ दिल्ली में किसी व्यक्ति नहीं डेंगू से, इस बार 10-12 लोग तो इसी आसपास के एरिया में। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी कि पसमांदा सम्मेलन किस तरह होगा, और यहाँ पर हमारे विश्लेषक ने स्पष्ट कहा कि सम्मेलन तो कराइए, पर सम्मेलन में जब भीड़ आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि हाँ ये वर्ग आपके साथ आने वाला है। सम्मेलन की परंपरा केवल भाजपा नहीं, कई दल हमेशा चलाते रहे हैं। फिलहाल सम्मेलन किसके सफल होंगे, किसको सत्ता मिलेगी, और निकाय चुनाव में परिणाम किसके लिए बेहतर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से रणनीति बन रही है, व्यवस्थाएँ बन रही हैं, चर्चाएँ चल रही हैं, तो इस ठंड में भी इस माहौल गर्म बना रहेगा, क्योंकि चर्चा जरूरी है, चुनाव जरूरी है, जनता के मुद्दों पर बात करें अथवा ना करें, शायद कभी जनता के मुद्दों पर बात होगी तभी बेहतर विकास की चर्चा भी हो पाएगी, और तभी हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा। अन्यथा जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी तरह चलता ही रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जयंती नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।